और अब खबरें विस्तार से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के धारूढ़ा ब्रांच में 5 करोड़ के लोन घोटाला मामले में पुलिस ने 8 केस और दर्ज किए हैं। पुलिस इससे पहले भी 5 केस दर्ज कर चुकी है। आपको बता दें कि बैंक शाखा की तरफ से वर्ष 2009 से 2012 के बीच 213 लोन फर्जी कागजातों के आधार पर पास किए गए हैं। इस मामले में बड़ी बात यह रही कि ये सभी लोन राजस्थान एरिया में तिजारा तहसील के अधीन आने वाले गांवों में लोगों ने लिए। जैसे ही ये मामला मीडिया के संज्ञान में आया तो बैंक के वकीलों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तब कहीं जाकर 29 लोगों पर FIR के आदेश जारी हुए थे। SBI बैंक ने वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2012 के बीच जो लोन जारी किए थे उनमें से 213 पास किए गए लोन की किस संबंधित व्यक्तियों ने जमा नहीं कराई थी। बैंक ने कागजात खंगालने शुरू किए तो ये सभी लोन तिजारा व टपुकड़ा के लोगों के मिले। लोन की रकम वसूलने के लिए बैंक की तरफ से रिकवरी सूट डाला गया जिसके बाद कई बड़ी परतें खुलती हुई नजर आई। इस मामले में SBI के तत्कालीन कर्मचारियों की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता तथा गाज गिरनी उन पे भी तय मानी जा रही है। पुलिस ने अलग अलग केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये घोटाला लोन लेने की आड़ में हुआ था तथा SBI की शाखा से जुड़ा हुआ है। मगर अब देखना यह होता है कि आखिर इस मामले में कौन लोग दोषी हैं और उन पर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, अभी 21 मुकदमे दर्ज किया जी। और क्या और कितने होने सर? अभी 109 के आसपास और होना है। सर क्या मामला था ये? स्टेट बैंक से लोन लिया है जी और फर्जी कागजात पेश कर रखे। फर्जी कागजात जमीन जैसे कैसे किया उन्होंने? क्या भाई जैसे जमीन 2 कनाल है, 9 मरला की रजिस्ट्रिया लगा रखी है तो कैसे रेवेन्यू महकमा भी आएगा और भी आएंगे सारे आएंगे। इसमें संलिप्त है कहीं ना कहीं। जमीन की ज्यादा फर्द लगा दी, जमाबंदी लगा दी, जमीन मौके पे कम है, यही मामला है। जांच चल रही है, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कुछ नहीं, अभी तो मुकदमा देखो SIT गठित करती है मैडम, क्या करती है देखते हैं।